हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे ब्लॉगर। तो गाइस, बहुत से व्यूअर्स का मेरा मैसेज आ रहा था कि तरुण मुझे एशियन पेंट्स के बारे में बताओ, यहाँ का वर्क लाइफ कैसा है और सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, फैमिली के साथ कैसे हम लोग मतलब मिलजुल के कैसे रह सकते हैं या लाइक कितना टाइम मिलता है। तो आज सब इन वीडियो में मैं कवर करूँगा और मेरी पुरानी वीडियो को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरी वीडियो को सपोर्ट करें तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर वन, मैं आपको बता दूँ, फॉर अ TSO पोजीशन, टेरिटरी सेल ऑफिसर, जो अब ये इसको कन्वर्ट इन लोगों ने TSE कर दिया, टेरिटरी सेल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव कर दिया है। ओके, देन ये सेम चीज़ है जो TSO था वही TSE पोजीशन है। और प्रीवियसली जो करेंटली ये हायर कर रहे हैं, इनका जो एक फिक्स पैकेज रहता है 7.3 से 7.8 के बीच में, ये इनकी कम से लैंडिंग रहती है। ये डिपेंड करता है आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था, इंटरव्यू में कैसे होगा आपका, सेम वही आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका AM के साथ, RM के साथ उतना इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर वो आप क्रॉस कर लोगे, तो वो डिपेंड करता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने अपना टेस्ट दे दिया है लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये करिए। देखिए, वो सब कुछ डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है वो आपको एक हफ्ते के अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर दे, लेकिन कभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, वो आपको महीना, छः महीना या दो तीन महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है अर्जेंसी के ऊपर है। दूसरा चीज़, एक TSO पोजीशन अगर आप अप्लाई करो तो एशियन पेंट्स में, तो यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का कल्चर लाइक, आपको यहाँ पे अगर 10 बजे सुबह ऑफिस आ रहे हो तो मान के चलिए यूपी ईस्ट में कल्चर आपको अराउंड 10 से 12 बजे रात तक रहेगा। और डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर, लेकिन यूपी ईस्ट में कल्चर ऐसा ही है, आप 10 से रात के 11 बजे तक आपको काम करना है इन ऑफिस में। मार्केट में रहेंगे तो आपको मे बी जल्दी हो जाए, फिर डिपेंड करता है मार्केट आपकी कैसी है, कैसे आप कवर्ड कर रहे हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन अगर मंथ ऑन एन एवरेज बताऊँ, 15 to 16 days आपको ऑफिस में स्पेंड करना पड़ेगा, जो उनको पीक कल्चर होता है जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं डायरेक्ट डीलरों की, क्या क्या स्लैब हो रहा है, स्कीम कम्युनिकेशन होना मेन पार्ट हमारा TSO क्या है, स्कीम कम्युनिकेशन प्रेजेंट करना, डीलर को इन्फॉर्म करना क्या क्या प्रोडक्ट में ऑफर्स आ रहे हैं और कब सब में कितना क्वान्टिटी उठाएँ सो दैट उनको इतना बेनिफिट मिले। वो आपको सब ट्रेनिंग मिलेगी बाकायदा, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था PSTP प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये DMP का अपलोड किया था, डीलर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इन सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। सैलरी कवर हो गया, वर्क कल्चर कवर हो गया, बाकी स्ट्रेस डिपेंड करता है कैसे आप लेते हो। अगर सेल्स का जॉब है तो आपके में भी स्ट्रेस तो रहेगा बकायदा, लेकिन आप इतना फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो गाइस, मैं आपको TSO के जॉब रोल्स बता दूँ फटाफट। मैंने जैसा बताया, नंबर वन, आपको एज अ TSO टेरिटरी सेल ऑफिसर, एक आप एरिया के ऑफिसर हो, तो आपका काम क्या रहेगा, पूरी टेरिटरी को संभालने का। अब संभालने से ले तक आपको प्रोडक्ट सेल करना है, उनको गाइड करना है कैसे और सेल करते हैं, कितनी क्वांटिटी में उठाना है, और दूसरी चीज़ कंप्लेंट, अगर डीलर किसी कस्टमर को सामान दे रहा है और उस प्रोडक्ट में कंप्लेंट है तो आपको साइट भी इंस्पेक्ट करने के लिए जाना जा सकता है, तो वहाँ पे आप चेक करोगे क्या प्रॉब्लम्स है वो। और दूसरा, OD रिकवरी, किसी भी डीलर को आपने ज़्यादा माल दे दिया हो और उससे फॉलोअप करना रेगुलर OD का, जो सेल्स में हमेशा रहता है, चाहे सीमेंट सेक्टर हो या पेंट इंडस्ट्री हो, ये चीज़ है। बाकी आपको अगर आप कंट्री और लोकल में हो तो उसके डिपेंड हिसाब से आपको जो मिलता है पर डे का, आपको वो भी एक्स्ट्रा मिलेगा जो कंपनियां को सपोर्ट करेगी अगर बाहर रह रहे हो, खाने पीने का या लाइफ का। ठीक है, बाय टिल दैट टाइम अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।